शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी रैली में शामिल होंगे और साथ ही आप कोताधिक ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद भी इसमें शामिल होंगे। जो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पीएम मोदी कल मेरठ में होंगे। शिव जिया हमारे सहयोगी हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। शिव, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में होंगे, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है उनके दौरे को लेकर, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? देखो, कल लगभग शाम को 4 बजे जो है प्रधानमंत्री जो है वो मेरठ में पहुंचेंगे और जो एक रैली है उसको संबोधित करेंगे। रैली स्थल जो है वो मोदीपुर में बनाया गया है और वहीं पर जो है सबसे जब से एनडीए में जयंत चौधरी शामिल हुए हैं उसके बाद से जो जयंत चौधरी है वो नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो मंच को साझा करेंगे, मंच पर मौजूद होंगे। ऐसा पहली बार होगा जब जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ जो है मंच पर दिखाई देंगे। काफी विशाल और बड़ी रैली बताई जा रही है ये, क्योंकि 2024 का जो शंखनाद है उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी मेरठ से कर रहे हैं। 2019 में भी जो सबसे पहले चुनावी सभा हुई थी वो मेरठ से ही की गई थी और दोबारा से भी 24 में भी जो क्रांति धारा धरती मेरठ है प्रधानमंत्री ने उसको ही चुना है। तो कल काफी संख्या में यहाँ पे जो भीड़ है वो पहुंचेगी। लगभग 4 बजे जो है प्रधानमंत्री जो है जो कृषि विश्वविद्यालय के बराबर में एक आलू अनुसंधान केंद्र है वहां पहुंचेंगे और वहां से जनसभा को जो संबोधित करेंगे। जो एसपीजी की टीम है वो कल मेरठ की धरती से श्रेय क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़े नेता कल एक साथ मंच साझा करेंगे, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौधरी की बात कर लें, सब एक साथ कल मंच पर दिखाई देंगे, संजय निषाद, यानी कि पूरा एनडीए कल एक साथ मेरठ में शामिल होगा, एक मंच साझा करेगा, पीएम मोदी भी उस मंच पर मौजूद नजर आएंगे। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी रैली मानी जा रही है क्योंकि 10 जिले से जोड़े गए हैं रैली से। तो कहीं ना कहीं मोदी जो है जो जीत का मंत्र है, किस तरह से वेस्ट यूपी से पिछली बार भी वेस्ट यूपी की जो सीटें थी उसमें भाजपा ने कब्जा करा था और जो यूपी है दावा किया जा रहा है उससे भी 80 सीटों का दावा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी ने एक क्रांति धारा धरती मेरठ को चुना है, उससे बड़ा संदेश लेकर आना है और जो जीत का मंत्र है कहीं ना कहीं वो देंगे। क्योंकि देखा जा सकता है जो यहाँ का वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर बागपत बड़ौद बात करें वो पूरी की पूरी जाट लाइन कहलाई जाती है, वहां पर भी जो भाजपा की और जयंत चौधरी के आने की वजह से उन सीटों पे काफी मजबूती मिलेगी। उसी को लेकर मेरठ से की शुरुआत देखिए शुएब, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ हैं और किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब खासा फोकस बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, शायद यही वजह है कि पीएम मोदी मेरठ में कल होंगे और यहाँ पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की शुरू से नजर है और अब की बात भी जो कुछ टिकट काटने के बाद कुछ जो पुराने चेहरे थे उनको ही रिपीट करा गया, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का विरोध भी कहा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से मोदी यहाँ पर आएंगे, मोदी अपना संदेश देंगे और जो आसपास की सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं मुजफ्फरनगर बागपत, उन पर असर पड़ेगा और एक जीत का मंत्र यहाँ से देकर जाएंगे। क्योंकि ये पूरी सीटों पर जयंत चौधरी के आने के बाद से भाजपा और मजबूत मानी जा रही है। अगर जैसे संजीव बालियान है वहां पर और सुरेश राणा है तो इन सबकी जो सीटें हैं काफी फर्क पड़ेगा, यहाँ से काफी संख्या में भीड़ जुटेगी क्योंकि ये सब सीटें जो है ये मेरठ से कनेक्टेड है और जो रैली स्थल चुना गया है वो भी हाईवे का चुना गया है, वहीं से जो रास्ते हैं सारे वो जो बागपत के लिए मुजफ्फरनगर के लिए वो सब कनेक्टेड रास्ते हैं। देखिए तो जिस तरीके से शोएब अगर बात की जाए तो मेरठ की सीट हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल जो रामायण में राम का पात्र निभाते हुए नजर आए थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो राजनीति से उनका दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है, शायद यही वजह है कि मेरठ पर खास फोकस है बीजेपी का। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और शामली से खबर सामने आई जहां पर खुलेआम गुज्जई का वीडियो वायरल हुआ है, बाइक सवार को आधा दर्जा